के लगातार अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा चल रही थी और अमेठी से लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला बोल रही थी। अब इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि हार के बाद, अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी गुस्से में है और उनका छल लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, अमेठी से बीजेपी सांसद और 2024 लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमेठी में उनकी हार हुई, वायनाड में जीत हुई और उसके बाद जो नॉर्थ साउथ का वो नैरेटिव देते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शायद अमेठी में हार का बदला, इसे कैसे देखते हैं नॉर्थ साउथ नैरेटिव? देखिए, राष्ट्र एक है, भाषाएं आप चाहे कितनी भी बोलें, संविधान एक है। संविधान का सूत्र कहता है राष्ट्र के हर प्रांत का, हर भाषा का, हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब अमेठी ने 15 साल उनको लापता होने के बावजूद भी सांसद तो सम्मान दिया, क्या जरूरत थी दक्षिण भारत में जाके अमेठी का अपमान करने की? किसी ने तो नहीं उकसाया था, किसी ने नहीं बरगलाया था। इसका मतलब अंदर इतना गुस्सा था उनके अमेठी के प्रति कि अमेठी का तो अपमान किया, पूरे उत्तर भारत को उसमें लपेट दिया। लेखा जोखा कंपैरिजन, जो हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, कंपैरिजन निश्चित रूप से होगा कि अगर 5 साल में मेरे माध्यम से मेरी सरकार यहाँ 1,14,000 घर बना सकती थी तो राहुल जी के पास 15 साल थे जिसमें से 10 साल सोनिया जी की सत्ता थी, उन्होंने ये घर क्यों नहीं बनाए? अगर आप राहुल जी के पुराने भाषण उठाकर देखेंगे तो उनसे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं, वो कहते हैं हाँ मैं केंद्र में बात कर रहा हूँ, केंद्र में कोई खंभा वंबा लगा देंगे लेकिन बिजली तो सपा को देनी पड़ेगी। मतलब जब उनका मन करता था वो अपने सहयोगी दल के ऊपर भांडा फोड़ देते थे, जब उनका मन करता था वो हाथ मिला के चल देते थे। लेकिन इस क्षेत्र में 1.5 लाख परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिलना 5 सालों में। अब जनता तो निश्चित रूप से पूछेगी कि दीदी की, माता जी की सरकार तो है नहीं केंद्र में, तो अगर दीदी कर सकती थी 5 साल में, आप 15 साल में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जनता को ये लगा कि एक तरफ सोनिया जी के पास सत्ता है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास सत्ता है, तो दोनों तरफ से ना सत्ता का सुख मिला और ना कोई साधन मिला। सांसद रहे राहुल गांधी, उनका यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं, नहीं, और वो उनके लिए ये सेवा का साधन नहीं है, सत्ता का साधन है। तो अमेठी में जब राहुल गांधी ने 15 साल चुनाव लड़ा तो दुहाई दी परिवार की, लेकिन वायनाड में इस बार जब नामांकन भरा तो कहा वायनाड ही मेरा परिवार है। अब लोग रंग बदल सकते हैं, परिवार थोड़ा ना बदलते हैं। तो उनके लिए परिवार शब्द ये एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट है। और जब मैं यहाँ आई थी तो जनता की दरकार थी, जनता ने मुझसे वचन भी लिया था, दीदी हमारे मध्य में रहना जरूर, तो इसलिए गांव में मेरा एक मकान है। राहुल गांधी को एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर 2014 में आपने देखा, 2019 में देखा और अभी 2024 में देख रही हैं, क्या कोई बदलाव नजर आता है क्या? झूठ का अंबार बढ़ रहा है, झूठ बोलने की गति बढ़ रही है, छल करने की उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ये निश्चित रूप से हुआ है। घमंड बढ़ रहा है, हिंदी में कहावत है रस्सी जल गई बल नहीं गया, लेकिन विनम्र हो जाता है व्यक्ति जब उसे इस बात का एहसास होता है कि खुद तो डूब ही रहा था, सबको लेके डूब रहा था। तो अगर उनमें विनम्रता का ये आभास नहीं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार के नाम को आहत किया है, अपनी पार्टी को आहत किया है, अपने पार्टी के कई नेताओं के करियर्स को बर्बाद किया है, फिर भी वो अहंकार की मुद्रा में बोलें तो ये उनका निजी विषय है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि मेरा, मैं उनको जब देखती हूँ तो क्या पाती हूँ, तो हाँ अहंकार की पराकाष्ठा है, झूठ बोलने के नए नए कर्तव्य हैं और कुछ नहीं है। कल एक और ज्यादा टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टकाटक ठकाटक खटाखट भी। 15 साल यहाँ सांसद रहे, मैंने कहा लल्ला यहाँ कहाँ नहीं हटा दियो टकाटक, सारी की सारी गरीबी। द प्रूफ इज इन अमेठी, इतना ही जादुई करिश्मा था तो टकाटक खटाखट यहाँ कहीं नहीं किया, वायनाड में कहीं नहीं किया, अभी तक रायबरेली में क्यों नहीं किया? करप्शन कितना बड़ा इशू है इस चुनाव? राहुल गांधी जहाँ जहाँ है करप्शन वहाँ वहाँ है, वो सबसे बड़े मुझे लगता है फ्लैग बैरर है। उनको देखते ही लोगों को याद आता है कांग्रेस का कार्यकाल। तो निश्चित रूप से जब तक राहुल गांधी किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, श्रीमती वाड्रा किसी भी मंच पर भाषण दे रहे होंगे, जनता को उनको देख कर ही याद आएगा कि कांग्रेस का कार्यकाल
कैसा भ्रष्ट कार्यकाल था। सिर्फ राजनीति गढ़ी नहीं, उन लोगों की तरफ से जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हुई सी आपको पहचाने से इनकार करिए, जबकि देश में मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी की एक राजनीतिक परिवार जो अहंकार के लिए जाना चाहता है, जो ग्रास रूट से ज्यादा परिचित ना हो, या जिनको ये आभास हो कि उनका जन्म ही सत्ता के लिए हुआ है, उनका ये कहना कि स्मृति हूँ ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, अहंकार ही उनका आभूषण है। इसलिए मुझे कतई बुरा नहीं लगा, खिल्ली उन्हीं की उड़ी, क्योंकि ये भी सामाजिक तौर पर माना जाता है कि अच्छा खासा मेरे एक मीडिया का करियर रह चुका है, तो कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना बेखबर होगा कि उसे पता नहीं कि मेरा क्या भारत की मीडिया में योगदान रहा। मैं श्रीमती वाड्रा को ना जानती हूँ ना मेरा, मैंने देखा उनको कभी चुनाव लड़ते हुए। निश्चित रूप से यहाँ पर महासचिव रही थी जब, तो उत्तर प्रदेश में उनके पास दायित्व था उत्तर प्रदेश का, और तब विशेष अमेठी में भी वो 3-4 बार राहुल जी के साथ आई। हमारे यहाँ 5 विधानसभा में उनका दायित्व रहा था, 4 में जमानत जब्त हो गई, 5वें में भी वो हार गई। अब देखिए स्मृति ईरानी तो अभी भी राहुल गांधी पर चुटकी ले रही हैं, और राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे आइए देखिए 10 बजे की हेडलाइंस स्टूडियो से। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव। दोपहर 12 बजे के बाद राहुल गांधी का नामांकन, सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। अमेठी में भी कांग्रेस उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की जबरदस्त तैयारी, अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने होंगे केएल शर्मा, कहा छोटे कार्यकर्ता को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तेज हुआ तीसरे दौर का घमासान, आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, बंगाल के बर्धमान, कृष्णानगर, बोलपुर तो झारखंड के सिंहभूम में चुनावी सभाएं। 5वें दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण, साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी दाखिल करेंगे पर्चा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम का भी नॉमिनेशन। टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त जौनपुर के बाद मैं आ चुकी हूं गाजीपुर, और गाजीपुर का ये जो इलेक्शन टर्फ है ये बड़ा ही दिलचस्प है। गाजीपुर का नाम सुनते ही जो पहला नाम आपके दिमाग में आएगा वो है अंसारी परिवार का, मुख्तार अंसारी का, अफजाल अंसारी का, आसिकबतुल्ला अंसारी का। इस बार यहाँ पर बाहुबल काम करने जा रहा है या फिर उनका नाम लिया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर विकास करने का प्रयास किया, क्योंकि जब गाजीपुर के इलाके में हम घूमते हैं तो मनोज सिन्हा का नाम भी लिया जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी की ओर से कैंडिडेट यहां पर कोई और हैं, बीएसपी यहां से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है, मुकाबला त्रिकोणीय है। जरा गाजीपुर की जनता जो इस वक्त यहां पर हमारे साथ मौजूद है, रेलवे स्टेशन का यह इलाका है, अगर विकास के कुछ चुनिंदा स्थानों की हम बात करें गाजीपुर की तो उसमें से एक ये रेलवे स्टेशन भी आता है। जरा जो गाजीपुर की जनता है उन्हीं से हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। बाबा शुरुआत आप ही से करते हुए, गाजीपुर में इस बार किसका सिक्का चलने वाला है? भाजपा का सिक्का चलेगा। क्यों भाजपा का? क्योंकि यहाँ पे इतना विकास हुआ है, आज तक जितने लोग सांसद हुए लोग यहाँ पे अपने खानदान का बस 5 साल गिनती गिनाते चले गए, काम समाप्त हो गया। अब यहाँ पे है, अब सारे लोग यहाँ पे भाजपा को देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान को मोदी जी खत्म कर देंगे। मोदी जी खत्म नहीं करेंगे, इन लोग का परिवार का खानदान का इन लोग को राजनीति खत्म हो जाएगा। ये लोग जितने लोग हैं कोई जमींदार परिवार के तो थे नहीं, ये जो नेता थे खाली संविधान कर रहे हैं, संविधान इन लोग के खून खानदान नाती पोता दामाद है बेटी है, लोगों का राजनीति समाप्त हो जाए। जी मैं तो ये सोच रही थी कि शायद यहाँ पर बाहुबल चलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर विकास भी चलता है, विकास चलता है,
विकास देखिए, अगर विकास चलता होता तो सिन्हा जी हारते क्यों? सिन्हा जी इसलिए हार गए कि सपा बसपा के संयुक्त कैंडिडेट की वजह से जातिवाद से हार गए, और सिन्हा जी का विकास है कि आज भाजपा जीतने की स्थिति में है। यहाँ हवाई अड्डा सिन्हा जी स्वीकृत कराए थे, पहले से था, छोटा था, बड़ा था, होना था, उस पर हमारे सांसद, वर्तमान सांसद कहते हैं हमारे ही प्रेस के आपके गाजीपुर पत्रकार भवन में उपस्थित हो गए, यहाँ के वर्तमान सांसद ने कहा। हमारे विनय भैया हैं, आज तक का काम देखते हैं, बीनू सिंह, बीनू भैया हम लोग बोलते हैं, उन्होंने पूछा कि विकास के लिए, हवाई अड्डे के लिए और मंडी के लिए आपने क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब सोच जो है वो मनोज सिन्हा की दिखाई दी, लेकिन फिर जीत नहीं हुई। एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुल्तान नाहिद खान। सुल्तान जी, जरा ये बताइए कि माहौल यहाँ का क्या दिखाई दे रहा है? माहौल तो ये लग रहा है कि जो बीती हुई बात उसको ख़त्म करके इस पवित्र स्थान हमारी मंदिर के पास हम लोगों का ये इंटरव्यू हो रहा है, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को, हमारे हिंदू मुसलमानों को होश आ जाए, और लोग कहते हैं कि काम करने वाले को ही जिताया जाए, तो हमारे कुरान में भी है कि कुरान जो काम करे उसी को जिताओ, और अब की हमें पूरी आशा है कि गाजीपुर में अब काया पलट होगी। और भाजपा के लोग कैंडिडेट के बारे में देख रहे हैं कि कैंडिडेट मनोज सिन्हा जी नहीं है, लेकिन मनोज सिन्हा जी ने जो छाप छोड़ दिया है गाजीपुर में, ईमानदारी की बात है, जो कोई आज तक किसी नेता मंत्री ने ऐसा किसी सरकार में काम नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बात हुई गाजीपुर की, गाजीपुर के और लोगों से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन बात अमेठी और रायबरेली की भी होनी चाहिए, जिसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। बड़ी खबर आ चुकी है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर बहुत था कि वो वायनाड के साथ साथ अमेठी अपनी पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ें, स्मृति ईरानी को वो चुनौती दें, लेकिन वो इस बार अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी मां की सीट यानी कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां पर उनके नॉमिनेशन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं अगर रायबरेली के अलावा अमेठी की बात की जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी बड़ा दबाव था पार्टी की ओर से, खुद उनकी मां सोनिया गांधी की ओर से, कि पारंपरिक सीट छोड़नी नहीं चाहिए, यहां से चुनौती होनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया, इस बार वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में किशोरी लाल एक बार फिर से यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर सांसद प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाए तो वो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि लगातार रहे हैं। ऐसे में अब अमेठी से तय हो गया है कि किशोरी लाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी ताल ठोकने जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों से चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो रायबरेली की सीट छोड़ देंगे? क्योंकि एक वो मैसेज पहले ही दे चुके हैं कि वो वायनाड की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहते, और अगर वायनाड के साथ वो धोखा नहीं करना चाहते, तो फिर क्या रायबरेली की जनता के साथ वो धोखा करेंगे? इस वक्त रुचि और विजय लक्ष्मी दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले विजय लक्ष्मी, कांग्रेस के खेमे से ये जो खबर आ रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल, क्या ये तय हो चुका है, अनाउंस हो चुका है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आज सुबह ही इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है, लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है, और फिलहाल जहां पर मैं खड़ी हूं रायबरेली में, राहुल गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस का जो कार्यालय है, यहां पर आकर के पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाएगा। यहां पर इंदिरा गांधी, क्योंकि रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, उसी समय से परंपरा है कि वो यहां केंद्रीय कार्यालय में, जो गया प्रसाद शुक्ला जी का घर हुआ करता था किसी ज़माने में, अभी भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, यहाँ आते हैं, पूजा पाठ हवन यहाँ किया जाता है। अभी हवन की तैयारियाँ यहाँ रायबरेली में चल रही, और फिर यहाँ से जो है वॉक, एक छोटा सा रोड शो होगा 1 किलोमीटर के करीब का, और फिर उसके बाद में वहाँ राहुल गांधी पहुँचेंगे और अपना नामांकन फाइल करेंगे। राज शुक्ला जी हैं, ये पूजा पाठ आप ही कराते हैं, आप लोगों को भी अचंभा हुआ कि रायबरेली से राहुल गांधी आ गए? जी, मेरा नाम राम जी शुक्ला है, और हम पंडित गया प्रसाद शुक्ल गुरु जी के नाती हैं, और राहुल जी रायबरेली आ रहे हैं और शानदार तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, और शानदार तरीके से लमसम 5 लाख वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। रायबरेली हो चाहे अमेठी, दोनों गांधी परिवार का घर है, राहुल जी चाहे यहाँ से लड़े चाहे वहाँ से। लोग कह रहे वायनाड से जीत गए, यहाँ से जीत गए, तो ये सीट छोड़ देंगे वायनाड नहीं? अब ये निर्णय उनका अपना होगा जो आगे, लेकिन अब रायबरेली से लमसम 5 लाख वोटों से वो चुनाव यहाँ से जीतेंगे, और ये जो आंगन आप देख रहे हैं, जो ये तैयारियाँ हो रही हैं, यहीं से राहुल जी आएंगे, यहीं से हवन करेंगे, पंडित जी उनको कलावा टीका करके तब वो नामिनेशन फाइल करने जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे तैयारियाँ जो है मीनाक्षी पूरी है, गद्दे वद्दे आ गए हैं, क्योंकि इसी आंगन में बैठ करके जो हवन पूजन
किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं रायबरेली के, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब से 10 बजे पहले मतलब जो तो ये है कि विजयलक्ष्मी की आज रायबरेली में खूब एक्शन दिखने जाने वाला है। इस वक्त रुचि भी हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, एक रायबरेली और एक अमेठी, अमेठी में क्या एक तरीके से ये कांग्रेस पार्टी ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी को किशोरी लाल का नाम ऐलान करके, जबकि यहाँ से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती थी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेठी में आप बात करेंगे कांग्रेसियों से तो उनमें एक तरह का जो उत्साह था कल तक, आज सुबह तक कि यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका आ सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा उनको धक्का लगा कि किशोरी लाल वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उतने मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी के खिलाफ वो नहीं माने जा रहे। लेकिन रायबरेली की अगर आप बात करें तो यहाँ ज़बरदस्त उत्साह है कांग्रेसियों में। देखिए सब झंडा बैनर लेके और यहाँ केंद्रीय कार्यालय में जमा है, यहाँ पार्टी ऑफिस में जो केंद्रीय कार्यालय है यहाँ तैयारियाँ ज़बरदस्त चल रही हैं। अभी यहाँ पर कुछ पंडाल लगाने के लिए कुछ रॉड्स लाए गए हैं तो कांग्रेसियों में उत्साह। अब बताइए रायबरेली आ गए राहुल गांधी, अमेठी में किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए राहुल जी तो जननायक हैं, और रही बात आदरणीय भाई साहब, तो रायबरेली और अमेठी की जनता से डायरेक्ट रूबरू होते हैं, वो इस मिट्टी को भली भांति जानते और पहचानते हैं। जन्मभूमि केएल शर्मा जी की कहीं रही हो लेकिन कर्मभूमि उनकी रायबरेली और अमेठी है। लेकिन अमेठी के लोग राहुल गांधी के बाद केएल शर्मा, उनको कैसे लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वो छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बाई फेस जानते हैं और भली भांति जानते हैं, उस मिट्टी को पहचानते हैं। वहाँ के लोग उत्साहित हैं क्योंकि वो लोग उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं। केएल शर्मा जी स्मृति ईरानी को, जो सांसद प्रतिनिधि आदरणीय सोनिया गांधी जी के रहे, उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे स्मृति ईरानी जी चुनाव हार रही हैं। जैसे हमने देखा अमेठी में राहुल गांधी वहां से 3 बार MP रहे, उसके पहले 4 बार सोनिया गांधी रही हैं। अब गांधी परिवार वहां से नहीं लड़ रहा, वो सीट जहां राजीव गांधी ने जो चुनाव जीते, संजय गांधी भी वहां पर गए, अब गांधी परिवार इस बार अमेठी में नहीं दिखाई दे रहे। इसके बारे में तो जी गांधी, बस गांधी परिवार भी उन्हीं का सदस्य है, कोई ऐसा नहीं केएल शर्मा आज से नहीं, वो कम से कम 20 साल से जो है सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं और इसलिए वो अमेठी गए हैं। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है रुचि, की परिवार के सदस्य के तौर पर किशोरी लाल जी हो सकते हैं, लोगों के बीच में उनका चेहरा भी पॉपुलर हो सकता है, लेकिन अमेठी वो सीट है जहाँ राहुल गांधी भी हार गए, तो ऐसे में क्या ये जो केएल शर्मा का नाम कांग्रेस पार्टी ने दिया है वो इतना मजबूत दावेदार हो पाएगा? जरा एक बार गाजीपुर के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अमेठी रायबरेली को लेकर, हम इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। सर एक बात बताएं, अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने नाम ऐलान कर दिए हैं, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ने वाले हैं और अमेठी से किशोरी लाल, जो कि आज तक रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, स्मृति ईरानी के हार जाएंगी? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल जी को रायबरेली चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है परिवार की, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस है, और अमेठी चूंकि वो एक बार हार चुके हैं, उनके मन में कुछ मलाल होगा, इसलिए वो दोनों सीटों तो ऐसी परिस्थिति में जब वो ये दावा कर रहे हैं कि वायनाड भी वो जीतने वाले हैं और रायबरेली तो जीती हुई ही समझ रहे हैं, तो एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी, इससे अच्छा ये नहीं था कि अमेठी से लड़ लेते? नहीं देखिए उनको च्वाइस हमको लगता है कि पार्टी या परिवार का ज़्यादा रहा होगा, तो अमेठी से उनका दिल टूट चुका है और रायबरेली चूंकि माताजी की पारंपरिक सीट है तो इसलिए उन्होंने उसको चुना, और मुझे लगता है कि इस बार अगर वो दोनों जगह से जीतेंगे तो वो रायबरेली को चुनेंगे, वायनाड को छोड़ेंगे। ऐसी बात है क्या? विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी मुझे एक बात बताएं, यहाँ गाजीपुर के लोगों का कहना है कि जीतेंगे तो वो रायबरेली, आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने कर दी। विजय लक्ष्मी आप मुझे सुन पा रही हैं? की जनता है विजय लक्ष्मी, वो ये कह रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से तो जीतेंगे ही जीतेंगे और अगर वो वायनाड भी जीत जाते हैं तो ऐसे में वो रायबरेली को अपनाएंगे। कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की चर्चा होती है, अगर दोनों सीट जीत ली तो कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी और कौन सी अपनाएंगे? देखिए मीनाक्षी ये बात तय है कि राहुल गांधी की कश्मकश ही ये थी जो इतनी देरी हुई, लास्ट मोमेंट तक विचार विमर्श चलता रहा कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो इच्छुक भी नहीं थे कि वो किसी और सीट से चुनाव लड़ें क्योंकि वो ये अपने मन में एक तय कर चुके हैं कि भाई वायनाड से उनको सांसद रहना है और वायनाड ने उनको उस
सबसे मुश्किल दौर में चुनाव जिता करके संसद भेजा जब कांग्रेस पार्टी की हालत बेहद ख़राब थी। लेकिन यहाँ पर वायनाड की जनता से, रायबरेली की जनता से अगर हम बात करें तो क्या लगता है, राहुल गांधी अगर दोनों सीटों से जीत गए तो रायबरेली को छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ देंगे। ये सर नहीं कह सकते अभी, नहीं, वो सुपर हिट नेता है। चलिए देखिए, यहाँ पे लोगों को लगता है कि वायनाड, रायबरेली राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये एक दुविधा का सवाल था। पर अभी राहुल गांधी की इच्छा यही थी कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए दूसरी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अब रायबरेली वायनाड दोनों जीत गए तो फिर क्या होगा, रायबरेली छोड़ेंगे? देखिए, वो हमारे नेता है, ये उनका निर्णय है कि वो यहाँ रहते हैं, हमारा काम है उनको जिता के भारी बहुमत से सांसद भेजना। लेकिन राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, इस तरह की खबरें बार बार आई, अब यही फैसला बाद में ले लिया तो रायबरेली को जनता कैसे लेगी? नहीं नहीं, जनता उनके पारिवारिक संबंध है, शुरू से जनता का उनके परिवार के साथ एक अटूट बंधन है और जनता अपना काम करेगी। क्या लगता है आपको, रायबरेली अगर छोड़ दी राहुल गांधी ने तो फिर कैसा मैसेज जाएगा? रायबरेली उनके साथ है, वो कहां वो जीत गए, नहीं जीते चाहे जैसे जीते के है ही है, लेकिन वो चाहे वायनाड रहे चाहे रायबरेली रहे, लेकिन रायबरेली उनके साथ है, रायबरेली उनके साथ रहेगी भी। चलिए देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि रायबरेली उनके साथ रहेगी, चाहे राहुल कहीं से भी जीते, रायबरेली की जनता, रायबरेली और वायनाड दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जी। हिंदुस्तान में राहुल गांधी कहीं भी लड़ेंगे जीतेंगे पूरे हिंदुस्तान, लेकिन रायबरेली छोड़ेंगे? रायबरेली तो उनका घर है, घर में कोई लड़ने की बात थोड़ी होती, यहाँ तो जब उनका मन है जब आवे जब जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। जीतने के बाद अगर रायबरेली जवाहरलाल